नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ जीएनटी पे। चलिए हम शुरुआत करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ। आप एक कंफर्टेबल सीटेड पॉस्चर पे बैठ जाएं और आज हम एक ब्रीदिंग मेडिटेशन करेंगे। तो हम लोग अपने सांस पे ध्यान देंगे, लंबी गहरी सांस को अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। आप ये कोशिश करिए कि आप सांस जो हैं अपने पेट के द्वारा अंदर ले रहे हैं, आपका पेट बाहर फूलेगा, और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो आपकी नाभि जो है आपकी रीढ़ की हड्डी की ओर जाएगी। थोड़ा सा फोकस अपनी नाभि पे। इनहेल और एक्सहेल। बस अपने सांस को शांत कर लें, अपने मन को शांत कर लें। योग के अभ्यास के पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये मन और शरीर को शांति कर लें। हाथ को जोड़ें, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। जो भारतीय योगी होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का पालन करते हैं, और आयुर्वेद में ये बोला गया है जो आप योग करते हैं उसको आपको अर्ध शक्ति से करना चाहिए। इसका मतलब अब आधी शक्ति समाप्त होने तक आप योग का अभ्यास करें। अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं, और आजकल का ऐसा माहौल है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं, हर चीज़ को हम ओवर करते हैं, काम भी ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज भी ज़्यादा करते हैं, खाते भी ज़्यादा हैं, पीते भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ हम बहुत एक्सेस में करते हैं। परंतु अगर आप योग एक्सेस में करेंगे तो ये भी एक बुरी चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है हमारे शरीर पे अगर हम ज़्यादा करें तो फिर एजिंग हमारा ज़्यादा हो जाता है। जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है जब हम अपनी पूरी शक्ति को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए योग में हम अर्ध शक्ति का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आधी शक्ति को आप इस्तेमाल करें योग के अभ्यास के समय में। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हम योग के द्वारा अपने टांगों को कैसे मजबूत रख सकते हैं। जो हमारी टांगें होती हैं वो हमारे योग अभ्यास का फाउंडेशन होता है। हर एक आसन हमारे टांग से शुरू होता है, हर एक आसन। अगर हमारी लोअर बॉडी, हमारे लेग्स मजबूत नहीं हैं तो हमारी दूसरी भाग बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यही है हमारे पूरा शरीर का फाउंडेशन। अगर हम एक बिल्डिंग एक अच्छी फाउंडेशन पे नहीं बनाएंगे तो वो बिल्डिंग थोड़े समय के बाद गिर जाएगी। तो यही चीज़ है हमारे टांगों के लिए। सबसे अच्छी एंटी एजिंग सोल्यूशन है कि आप अपने टांगों को, अपने लेग्स को टोन्ड और मजबूत रखें, और योग ने इसके लिए बहुत एक सुंदर नियम दिया है। तो आज के एपिसोड में आपको ये बताऊंगी कि कौन से आसन आपके टांगों के लिए, आपके लेग्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, और ये बहुत ही सिंपल भी हैं, आप डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं और इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरे टांग मजबूत हो रहे हैं, परंतु ये बहुत टाइट भी हो जाते हैं, और जब आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं तो इंजरी भी आ सकती है। टाइट मसल्स का मीनिंग आपको टाइट नर्व्स भी होंगे,
और जब टाइट नर्व्स होंगी, टाइट मसल्स होंगी, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी सही, है ना। तो योग के अभ्यास में क्या होता है कि आपके मसल्स स्ट्रांग भी होते हैं, आपके नर्व्स भी स्ट्रांग होते हैं, और उसके साथ साथ आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग भी होती है। तो हर चीज़ होता है योगासन के द्वारा जो वॉकिंग या जॉगिंग से नहीं हो सकता है। तो ख़ास तौर अगर आप वॉकिंग डेली कर रहे हैं तो आपको योग के थोड़े बहुत अभ्यास आपके लेग्स के लिए ज़रूर करना चाहिए। जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है, और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच। हम शुरू करेंगे सुप्त पादंगुष्ठासन, पर हम एक इसको योगा बेल्ट के द्वारा करेंगे। तो अगर आपके पास घर पे कोई भी बेल्ट है या दुपट्टा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप आराम से नीचे लेट जाएं, सीधे पैर को ऊपर, उल्टी पैर को ऊपर, सीधे पैर को ऊपर, उल्टे पैर को ऊपर, और ये कोशिश करें कि घुटने आपके सीधे और आपके जो टोज हैं वो सिर के ओर, तो उनको लूज मत छोड़ें। तो आपको ये जांघों में फीलिंग आएगी अगर आप करेंगे इसको। आप तेज़ी से भी कर सकते हैं, परंतु नीज ओपन, इसको आप तेज़ी से भी कर सकते हैं परंतु आप नीज को टाइट रखें। थोड़ा सा जब वार्म अप हो जाएगा तो आप फिर अपने बेल्ट को लीजिए, इसको आप बेल्ट को आप अपने जो आर्च है फुट का वहाँ डाल दें, और फिर दोनों साइड इक्वल, और अपने टांग को ऊपर करें, और बस यहाँ पे आप 90 डिग्रीज पर टिके रहें, और दूसरा जो पैर है आपका बिल्कुल सीधा ठुड्डी छाती की ओर। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो अपना उल्टा पैर ऐसे बेंड भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऊपर भी आ सकते हैं अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है तो। तो अब ये भी कोशिश करें कि थोड़ा सा आप ऊपर आए आराम से, या तो आप आराम से सिर नीचे ले आएँ। तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए होल्ड करें, ये बहुत ही अच्छा है आपके हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत करने के लिए, आपके पैर को के नसों के लिए। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, और फिर घुटने को छाती की ओर, और हम अब वही चीज़ उल्टे पैर से करेंगे। तो उल्टे पैर को ले आइए, अपने बेल्ट को, फुट का आर्च होता है, दोनों साइड इक्वल, तो उल्टे पैर के साथ भी हम वही चीज़ करेंगे। घुटनों को बिल्कुल सीधा, और आपको अगर ठीक लगे तो आप सीधे पैर को आप मोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे आप टिके रहें लंबी समय के लिए। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अब हम इसको राइट साइड भी कर लेंगे एक और बार। यहाँ से आप अपने राइट लेग को मोड़िए, और अपने योगा बेल्ट को, कोई भी बेल्ट को लीजिए, और आर्च भी लगाइए, और लेग को ऊपर। आप ये कोशिश करिए कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, और थोड़ा सा पैर को आप 90 डिग्रीज पे ले आएं, जितने भी आप कर सकें। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपने लेफ्ट लेग को भी मोड़ सकते हैं, और ये भी ठीक है। बस ये कोशिश करिए कि आपके अच्छे से घुटने खुल रहे हैं और आपके टोज जो हैं हेड की ओर मुड़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऊपर भी थोड़ा सा आ सकते हैं, ठुड्डी और छाती को ऊपर ले आएँ, और ये कोशिश करें कि आपका घुटने, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हैं। और यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करें, और फिर आराम से नीचे आ जाएं। और हम वही चीज़ अब दूसरे टांग के साथ करेंगे। अब आप ऊपर आ जाएं, और अब हम खड़े होंगे थोड़े से स्टैंडिंग आसन के लिए। अब हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे अपने लेग्स के साथ। तो हैंड्स आप वेस्ट में ले आएं और थोड़ा सा लेग्स को किक करें। ये योग के व्यायाम जो है बहुत ही लाभदायक होते हैं। थोड़ा से आसन में हम ज़्यादा बेनिफिट्स उठा पाएंगे अगर हम इन व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। तो बस किक करिए साइड टू साइड,
सभी हम दिशाओं में थोड़ा सा लेग्स को ले जाएंगे और फिर पीछे की ओर। आप ये कोशिश करिए कि 10 बार आगे, 10 बार साइड और 10 बार पीछे, और फिर 2 सेकंड के लिए विश्राम, ये भी जरूरी है आसनों के बीच में। और हम सबसे पहला आसन करेंगे उत्कटासन, चेयर पोज। हाथ को आप ऊपर करिए और यहाँ से आप नीचे ले आए जैसे आप एक कुर्सी में बैठ रहे हैं। आपके हाथ आगे होंगे, ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। जितना आप ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे उतना ही अच्छा है। और अगर आप हाथ जोड़ सकते हैं वो भी अच्छा है, और आप हाथ की ओर देख सकते हैं या तो इतना भी ठीक है। और आप ये कोशिश करिए कि आपके जो हिप्स हैं वो थोड़े अंदर की ओर आ रहे हैं, तो पेल्विस आप अंदर टिल्ट करिए और यहाँ कोशिश करिए कि आप नीचे बैठ रहे हैं। पैरों को बिल्कुल मजबूत रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है यहाँ पे उत्कटासन में। अगर आप थक रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं, थोड़ा सा विश्राम करें और फिर से हाथ ऊपर, टांग नीचे और थंब को अंदर ले जाएं और यहाँ पे लंबे गहरे सांस लेते रहें। बिल्कुल आप आगे देख सकते हैं या तो आप हाथ को जोड़ें और हाथ की ओर, ये आपके 2 ऑप्शन हैं इस आसन में। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हाथ को अच्छे से ऊपर खींचें, थोड़ा सा कोशिश करें कि और नीचे जाएं और फिर ऊपर ले आएं हाथ को, डाउन और विश्राम। 3 सांस के लिए अच्छे से हम विश्राम करेंगे और फिर हम यहाँ से करेंगे पादहस्तासन का एक वेरिएशन। तो अगर आपके सामने एक टेबल हो, आप अपने टेबल पे भी हाथ रख सकते हैं। तो हाथ को हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएं, पर आप बस आधा आएं। आपके जो पैर हैं हिप विथ अपार्ट है, अगर आगे कुर्सी या टेबल हो आप वहाँ पे हाथ डाल सकते हैं और यहीं पे आप रहें, घुटने को बिल्कुल टाइट कर लें। अगर आप जा सकते हैं तो आप पूरा भी नीचे जा सकते हैं, आप हाथ को नीचे ले जा सकते हैं, परंतु आधा भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है तो सेफ साइड के लिए हम लोग आधा करेंगे। और यहाँ पे बैलेंस आप आगे ले जाएं और हाथ को ये टेबल या चेयर पे प्रेस कर सकते हैं, हाथ बिल्कुल सामने। और यहाँ से आपके पैरों के लिए बिल्कुल ये अच्छा है, आपके स्पाइन के लिए भी। और अगर आपको हाथ नीचे ले जाने हों, आप हाथ अपने टोस की ओर और यहाँ से ठुड्डी को आगे करें। ये भी एक बहुत ही सेफ और अच्छा वेरिएशन है पादहस्तासन का। और घुटनों को बिल्कुल आप सीधा रखें, इतना ही काफ़ी है। और यहाँ से आप ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम करें और फिर सामने आ जाएं। हम लोग करेंगे अब वीरभद्र आसन 1 और 2 का अभ्यास। तो पैर को अच्छे से फैलाएं। अब ये देखिए कि दोनों पैर एक लाइन पे। यहाँ से हम दोनों हाथ को ऊपर रखेंगे, सीधा पैर को सीधे ओर और फिर हाथ को आप ऊपर ले जाएं, अंजलि मुद्रा। और यहाँ से आप सीधे ओर ट्विस्ट करें और यहाँ से आप नीचे जाएं। पीछे का पैर थोड़ा सा शिफ्ट होगा, उसको आप शिफ्ट होने दें और पीछे की पैर में अच्छे से स्ट्रेंथ लाएंगे हम। और नीचे के ओर सीधे पैर पे हम जाएंगे, हाथ को ऊपर खींचें और ट्विस्ट करें। हाथ को ऊपर खींच के नीचे जाने की कोशिश, पैरों को अच्छे से खोलें, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, ऊपर आए। और वही चीज़ अब दूसरी ओर। तो लेफ्ट फुट एट राइट एंगल, हाथ को ऊपर, अंजलि मुद्रा, बॉडी को ट्विस्ट और यहाँ से आप नीचे आ जाएं। हाथ को ऊपर, पूरे स्ट्रेंथ पीछे की ओर को और पैर को खोलें
नीचे जाएं, यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर, एक दृष्टि एक पॉइंट पे बनाते रहें, आराम से ऊपर आ जाएं और इसी चीज़ को आप 3 बार रिपीट करें दोनों ओर, वापस आ जाएं। विश्राम, और इसके बाद हम लोग करेंगे वीरभद्र आसना 2 का अभ्यास। तो फिर से पैरों को फैलाने, ये कोशिश करिए कि दोनों पैर एक ही लाइन में, सीधा पैर सीधी ओर, हाथ बाजू के 1 इंच ऊपर, फिंगर्स को पॉइंट करें और यहाँ से हम आराम से नीचे जाएंगे, सीधी ओर, दृष्टि सीधे हाथ की उंगलियों पे। वॉरियर 2 वीरभद्र आसना, बहुत ही सुंदर आसन है ये, हमारे आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। इसको होल्ड करें जितने भी समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, हाथ को खींचें, आराम से ऊपर आए, वही चीज़ उल्टी ओर, दृष्टि उंगलियों पे, छाती को खोलें, लंबा गहरा सांस अंदर, पूरा अपना स्ट्रेंथ हम अपने पीछे वाले पैर से ला रहे हैं यहाँ पे, आराम से वापस आ जाएं, विश्राम। आप इस आसन को 3 बार रिपीट कर सकते हैं दोनों साइड पे। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, यही आसन जो आपके लेग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये मेरी उम्मीद है कि आप इन आसनों को अपने डेली लाइफ में अपनाएं, और अगर आप वॉकिंग या जॉगिंग कर रहे हैं तो साथ साथ ये आसन आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरे साथ जुड़े। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।